तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दवाई मैंने में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनबैक्सी अल्टिमा 120 mg के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या यूजेस है, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेनबैक्सी अल्टिमा 120 mg की। हम बात कर रहे हैं इसे बनाने वाली कंपनी की। तो दोस्तों, इसे बनाने वाली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों 168 रुपये में यह हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़े आसानी से मिल जाती है। अब बात करें इसमें मिलाए गए कंपोजिशन की, तो दोस्तों इसमें फेक्सोफेनाडाइन और हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है। इस टेबलेट का यूज एलर्जी कंडीशन को रोकने के लिए किया जाता है। एलर्जी से होने वाले सारे लक्षण जैसे इचिंग होना, रनिंग एंड ब्लैक नोजेस का होना, स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हो और भी कई तरह के एलर्जी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जनरली कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे सर दर्द होना, एलर्जिक राइटिक का होना, डोर्जिया, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको ज़्यादा नींद भी आ सकती है। अगर आप इस टेबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रूट जूस जैसे एप्पल जूस, ऑरेंज जूस को नहीं लेना चाहिए, यह मेडिसिन के प्रभाव को कम कर देता है। अगर आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर कोई अन्य दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर आप लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी से ग्रसित हो तो आपको इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टेबलेट का यूज़ करने का सोच रहे हैं तो डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको रेनबैक्सी अल्टिमा 120 mg के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। हमारा नारा, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी ताकतवर बनेगी इंडिया।